नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश यूटेक में। तो गाइज, यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम को लेकर अभी भी जो कन्फ्यूज़न है वो बरकरार है। किस यूनिवर्सिटी की अपन लोग बात कर रहे हैं आगे बताऊंगा, साथ ही तीन चार यूनिवर्सिटी की और बात करूंगा। मतलब शाम का भाई ये वीडियो यूनिवर्सिटी का, तो दिन भर की यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स की बात होगी। AKTU के भी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, तो प्लीज़ यार वीडियो को टिल एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि जिन भी छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विलंब ना करो भैया। ऐसी ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब पांच अपडेट पे बात करूंगा, पांच यूनिवर्सिटी की अपडेट पे बात करूंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा तेजी से बोलूंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और फिर देखिएगा कि दोनों मोड में हो सकती हैं LLB की परीक्षाएं। या गाइज हम बात करें SSC के संबंध LLB की और LNM की परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकती हैं। इसको लेकर अभी भी कन्फ्यूजन है। डिजिटल कमेटी बनाकर कुलपति ने ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही एक चीज़ मैं बता दूँ कि कुछ विश्वविद्यालय में LLB की ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो चुकी हैं। ऐसे में कुछ अभिभावक जो है ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। तो गाइज यार यहां से आप साफ साफ स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि NTA की तर्ज पर ऑनलाइन वाले छात्रों को विकल्प दिया जा सकता है कि वह अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन कैमरा ऑन करके बैठेंगे। तय समय में उनको पेपर ईमेल पर भेजा जाएगा। इसके बाद वे कैमरे के सामने कॉपी लिखकर उसे तय समय पर स्कैन करके ईमेल पर भेजेंगे। यानी देखिए, अगर आप CCSU के छात्र हैं, आपका एग्जाम अगर होगा तो उसमें क्या शर्त है, कैमरा आपका ऑन किया जाएगा आराम से, उसको लिख के 3 घंटे में जो भी टाइमिंग है उसके बाद फिर उसको ईमेल पर अपलोड करना है। ये NTA करवा रहा है। तो गाइस ये देखिए, जो एग्जाम है NTA करा रहा है। 15 से होगी सम सेमेस्टर UG की परीक्षाएं। तो प्लीज यार इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। CCSU के छात्र अगर आप हैं तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अब यहां से चलिए बात करते हैं अगले यूनिवर्सिटी की, जो है इलाहाबाद प्रवेश परीक्षा अगस्त के अंत में। जी हाँ गाइस, टेंडर और बजट के निर्णय लेने पर आज होगी कोर कमेटी की बैठक। कल आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के जो भी एग्जाम, प्रवेश एग्जाम है यानी कि एंट्रेंस एग्जाम है, उसको लेकर ये अपडेट है। आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर पढ़िएगा। स्नातक और पर स्नातक में प्रवेश की जिम्मेदारी इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की हो गई है। देखिए, NTA एग्जाम करा रहा है इलाहाबाद का, CCSU का एग्जाम NTA करा रहा है, तो भैया AKTU का भी हो सके। सुनने में आ रहा है, जहां तक जानकारी मिल रही है, कि जेम पोर्टर AKTU का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि NTA एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, भी AKTU की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो गाइज यहाँ पे एक देखिए, प्रथम वर्ष के फॉर्म को लेकर खड़े हो रहे हैं सवाल। जी हाँ गाइज, बात कर रहे हैं हम, ये MG प्रूफ के छात्रों के लिए अपडेट है कि विश्वविद्यालय में स्नातक स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों के भी परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे हैं, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर जरूर पढ़िएगा अगर आप MG प्रू के छात्र हैं। अब चलिए बात करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की, क्या अपडेट है। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाले 2 बार होंगे प्रमोट। जी हाँ गाइस, आधे कोर्स के बाद आया परिणाम। मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी को लेकर ये छात्र, इसको वीडियो बनाया था, अगर जो छात्र नहीं देखे हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, जिसमें बताया गया फर्स्ट ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है दोनों सेमेस्टर में। समझ रहे हैं ना, एग्जाम दियो नहीं दियो कोई दिक्कत नहीं। अगला चलिए बढ़ते हैं, AKTU का IT भी कराएगा सभी वर्ष के ऑनलाइन एग्जाम। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देखिए 24 जुलाई से परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जो है वो जारी होंगे 24 जुलाई से। उसके बाद 90 मिनट के पेपर में आपको 50 ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 9:30 से 11 बजे के बीच में एक पाली में एग्जाम होगा। उसके बाद फिर शाम को 3:30 से 5 बजे के बीच में एक पाली में एग्जाम होगा। चलिए अब बात करते हैं AKTU कैश में MTech प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। जी हाँ गाइस, गेट क्वालिफाइंग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुरू हो गया। अंतिम तिथि जो है वो 15 जुलाई है। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर पढ़िएगा। भाई देखिए, अब यार बड़ी अपडेट है, तो इन चीज़ों को अब अगर मैं पल पल की एक एक वर्ड पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और देखिए, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, इस टाइप का कॉन्टेंट कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई हर यूनिवर्सिटी का तेज़ी से कवर करूँगा, दिन भर के सारे यूनिवर्सिटी के अपडेट एक साथ दे दूँगा। समझ रहे हो ना, तो ये भी एक अपडेट है AKTU के छात्रों के लिए। अब यहाँ से देखिए, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं जो हैं वो शामिल, इसमें 3 लाख विद्यार्थी होंगे। तो इस चीज़ को भी वीडियो के माध्यम से सुबह बताया था, तो इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए भी पसंद काम की हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके हमें इनकरेज कीजिएगा। और जिन भी छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया ऐसे ही यूनिवर्सिटी के एग्जाम, प्रमोशन, स्कॉलरशिप, AKTU, CCSU, MG प्रू, DDU, किसी भी यूनिवर्सिटी आप छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सलाह दे रहा हूँ भैया, रख लो, बहुत फायदे में रहोगे। कल को हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। बाकी का इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।